الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله करम जब आले नबी का शरीक होता है बिगड़ बिगड़ के हर एक काम ठीक होता है दुरूद आले मुहम्मद की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है हर नफस इश्क मुहम्मद का पयामी कर लो जिंदगी मिट के मोहब्बत में दवामी कर लो बादशाही है अगर दोनों जहां की दरकार दोस्तों आओ मुहम्मद की गुलामी कर लो अल्लाह की हम जलवागरी देख रहे हैं ये हुस्न जमाले मदनी देख रहे हैं जिस वक्त पढ़ो सल्ले अला आले मुहम्मद समझो के रसूले अरबी देख रहे हैं हद तौसीफ से नाम है बाला तेरा कि खुदा आप है खुद चाहने वाला तेरा कि जिन्होंने आज इतना अच्छा प्रोग्राम किया हम सब लोग रोज घर में खाना खाते हैं लेकिन इस दियारे कुफर में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है और बगैर दुनियावी किसी बात से अल्लाह ताला से नमाज पढ़ी इधर अल्लाह का शुक्र अदा किया मैं कहता हूँ ये मलक साहब की बड़ी एफर्ट है इस तरह के प्रोग्राम हर जगह होने चाहिए तो ऐसी महफिलें होनी चाहिए हर बंदे को ये प्रोग्राम कोई ना कोई करना चाहिए इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले महीने के मेरे ख्याल संडे में जो मैं हर साल प्रोग्राम करता हूँ तचेरा सिटी ऑफिस में इंशाल्लाह उसकी डेट भी अभी अनाउंस करूँगा मैसेज में इंशाल्लाह या मैसेज में ही बताएंगे तो मेरे उम्मीद तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि हर बंदा उधर लाजमी आए ना हमारे प्रोग्राम में और कोई भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या कोई भी सीरत नबी हमें किसी से कोई इख्तलाफ करना नहीं है कोई बंदा किसी का मसलक चेंज नहीं कर सकता आप कहें ना कि मैं इसका शिया का सुन्नी सुन्नी का वहाबी ये कोई बंदा नहीं कर सकता ना बस अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात करनी चाहिए इन तफरकों में पढ़ना ही नहीं चाहिए और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे देखो इतना कीमती किसी के पास टाइम ही नहीं है और आज बंदे सारे अपना टाइम कीमती टाइम निकाल के आए हैं जमा हुए हैं और इसकी सारा सेहरा मैं मलिक साहब पे उसका नाम क्या फिर दोबारा शुक्रिया कि जिन्होंने इतनी बड़ी महफिल कराई है और ये प्रोग्राम शुरू किया अब मैं इसके साथ ही सब दोस्तों को मेरा खाने का भी तो ये करूंगा कि वो दुआ और पहले जिक्र कर दें नबी पाक की तारीफ करें उनके ये पेश करें उसके बाद दुआ करते हैं शरे नब शरे शैतान शरे दुनिया तो महफूज फरमा हुजूर दी मोहब्बत अहले बैत पाक दी मोहब्बत अता फरमा ऐ अल्लाह नबी पाक दा सदका सानूं सच्चा पक्का मुसलमान बनन दी तौफीक अता फरमा पंजगाना नमाज अदा करन दी तौफीक अता फरमा रब्बाना तुकब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउन अलीम व तुब अलैना इन्नका अंता तव्वाबुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्कि मुहम्मदिन नबियिल उम्मी व अला आले ही अहले बैत ही व अज़वाज ही व ज़ुर्रियात ही अजमईन बे रहमत दे दो अंदर तुम सभी रातो तस्कीन में डल जाते हैं जब करम हो है
बदल जाते हैं जब करम होता है। बरकत डाले इसने यहाँ पे रेस्टोरेंट खोला है, इससे क्या फायदा हो रहा है? इससे ये फायदा कि हम सारे पाकिस्तानी अफगानी जितने भी यानी मुख्तलिफ नेशनलिटी के लोग, खासतौर पर हमारे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे हम बैठ जाते हैं, हम इससे क्या फायदा होता है? एक तो हम एक दूसरे का हाल इस्लामी भी क्या भी दूसरे की परेशान कर, एक दूसरे की पूछे कि उसके क्या किस हालत में। दूसरा सबसे जो मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट नुकता है वो हमारा कल्चर है। हमारा कल्चर ही जो है ना वो इस्लाम से भरा हुआ है। जब हम अपने कल्चर को पकड़ेंगे तो हम इस्लाम के रास्ते पे जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये दावती होती है ये इस मकसद से नहीं होती कि कहने के मकसद से कोई और मकसद से, हमारे कल्चर हमारा जो रहन सहन है जो हमें अपनी पाकिस्तान अपने वतन की याद दिलाती है। तो मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। और इस्लाम भी जो है ना यही हमें बता देता है कि आप आपस में मिलजुल कर बैठे अपने जो आपकी जो मुश्किलें हैं एक दूसरे की मदद कर लें। तो मेरे ख्याल में जब हम पांच वक्त की नमाज पढ़ते हैं जुमात जाते हैं यही हमारा मकसद होता है कि हम एक दूसरे को देख लें, एक दूसरे का बहन से पूछे कि किसी को तकलीफ तो नहीं है। तो मेरे ख्याल में यहाँ ये दावतें हैं ये रेस्टोरेंट है गुलाम भाई का, तो सब लोगों को मेरे ख्याल में इसका क्रेडिट देना चाहिए। तो शुक्रिया सब लोगों का, खासतौर पर शाहजी भाई जो हर साल मेहनत करते हैं। और मेरे ख्याल में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है सब कम्युनिटी की मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अरबियों का सबके लिए हम करते हैं। तो अल्लाह ताला इसको उम्र दे दे और अल्लाह ताला इसके रिज़्क में बरकत डाले। ये सब दोस्तों की मेहरबानी के सब मोहब्बत करते हैं कि सब आ जाते हैं, वरना कौन आता है? किसी के पास टाइम ही नहीं है, इतनी दूर कोई भी नहीं आता। ये सब दोस्तों की मोहब्बत है, आ जाते हैं, प्यार करते हैं। और देखो जी, सबसे पहले तो यही है ना, आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन है, तो हमें पांच टाइम की नमाज जो उन्होंने पैगाम दिया, पांच टाइम की नमाज नहीं छोड़नी चाहिए ना। और ये दे आप सबसे बड़ी कुर्बानी हज़रत इमाम हुसैन की, उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, सजदा में सर कटवा दिया। तो भाई नमाज की किसी सूरत में छुट्टी नहीं है, हमें कम से कम हर बंदे को पांच वक्त में नमाज पढ़नी चाहिए और अल्लाह और उसके रसूल की बात करनी चाहिए। तो गुलाम की भी बड़ी मेहरबानी है, और आज का सारा क्रेडिट मलिक साहब पे है, जिन्होंने सारे बंदों को बुलाया। मलिक साहब भी मलिक साहब कुछ कहना चाहेंगे थोड़ा? बहुत बहुत मेहरबानी सारिया ने, अल्लाह पाक सारिया ने जिंदगी अच्छी करे, हालात अच्छे करे, बीमारियां दूर करे, परेशानियां दूर करे। सब दे किनारे माँ बाप फोत हो गए, अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत फरदौस जगह दे, किनारे जिंदा ने उन्होंने छेद दबे, किनारे बीमार ने उन्होंने छेद दबे, किनारे हालात खराब ने उन्होंने रहम करे, किनारे कारोबार दोनों ने उन्होंने हालात ठीक कर दें, सारे ने ठीक कर दें। नबी पाक दे तफ है, सारे नेक लोगों की तफ है, क्योंकि है जैसे गुनाह लगा, अल्लाह सू माफ भी करे और सू तफीक भी दे, अगों भी बंदे के पुत्र बन जाइए।